अगर आपको HDFC में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक करिए, पूरा पढ़िए। आपको कौन सा चार्ज देना है नहीं देना है वो आपको इस वीडियो में तो बताऊंगा ही, लेकिन वहां पर पूरा डिटेल्स में बताया गया है, आप डिटेल्स में वहां पर जान सकते हैं। अगर आपको HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, वो भी सेविंग अकाउंट, तो आप काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी देख रहे होंगे। जैसे आप वीडियो देखते हैं कि लास्ट में बोलते हैं कि आपको इनिशियल फंडिंग करना है 10,000 रुपीज़, आपके पास उतना पैसा नहीं रहता है, आप HDFC बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, आप 10,000 रुपीज़ वहाँ पर क्यों दें जबकि आप करेंट अकाउंट पर कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको HDFC बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है, सो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने गाइडलाइन निकाला था सभी बैंक के लिए कि सभी बैंक को अपने कस्टमर के लिए BSBD अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अपने कस्टमर को फ्री देना है, जहां पर आप फ्री में डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको ऑफलाइन अपने ब्रांच में विजिट करके ही आप जाके ओपन कर सकते हो, और वहां पर जाके आपको बोलना है मुझे BSBD अकाउंट ओपन करना है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट मुझे ओपन करना है, जिसके लिए वो एक भी रुपया चार्ज नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस को रखने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको ये अकाउंट बन जाता है। तो ये तो बात क्लियर होगा कि ये जो बैंक अकाउंट है आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन कर सकते हो और अपने नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाके कर सकते हो। एक बार आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप वहाँ पर कोई भी पैसा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, जीरो बैलेंस है और जीरो मेंटेनेंस है। आपको वहाँ पर एवरेज बैलेंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अगर आप उसे जीरो रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आप हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर आप वहाँ पर कुछ पैसे रखते हैं तो पर एनम 3 से 3.5% तक आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटी है ऑनलाइन सर्विस का, आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितना भी सारा आप ऑनलाइन काम होता है सभी काम यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं ये जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ। यहाँ पर अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर भले ही आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड मिलता है बट यहाँ पर फ्री है, एनुअली चार्ज भी यहाँ पर नहीं लगेगा या फिर इशू चार्ज भी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, फ्री में आपको ATM कार्ड मिल जाएगा। जब आपको इसे रिप्लेस करना है यानी कि आपको अपग्रेड करना है अपने ATM कार्ड को, नॉट रेन्यू जस्ट अपग्रेड करना है, तो आपको 300 रुपया प्लस GST आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप HDFC का रुपए डेबिट कार्ड यानी कि रुपए ATM कार्ड यूज़ करते हैं फ्री वाला, जिसमें आपको हर महीने 4 बार फ्री ट्रांजेक्शन करने का मौका मिलता है कोई भी ATM कार्ड में, अगर आप 4 बार से 5 बार कर लेते हैं यानी कि 1 बार एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो आपको 21 रुपीज़ प्लस GST आपको चार्ज देना होगा। और इस ATM कार्ड का जो लिमिट है पर डे 10,000 रुपीज़ ही, इसके ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। अगर आप यहाँ पर 4 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और वो अगर नॉन ट्रांजेक्शन में गिना जाता है तो आपको सिर्फ 8.5 रुपये प्लस GST देना होगा। कई बार देखा होगा आपने एक्सिस बैंक अगर आप यूज़ करते हैं तो पता होगा वहाँ पर NEFT RTGS सब कुछ तो फ्री है, लेकिन वहाँ पर IMPS का चार्ज लगता है। अगर आपको तुरंत ही तुरंत किसी को फंड ट्रांसफर करना होगा तो आपको 5 रुपये देना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्री अकाउंट है, BSBD अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, फिर भी आप यहाँ पर IMPS का चार्ज नहीं है, RTGS का चार्ज नहीं है, NEFT का चार्ज नहीं है, किसी का भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा। और साथ में इस ATM कार्ड को आप UPI से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से भी ऐड करके UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ्री में। अगर आप यहाँ पर पासबुक लेते हैं तो पासबुक का तो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चेकबुक इशू करते हैं तो चेकबुक में भी यहाँ पर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। पर ईयर आप 25 पेज का चेक यहाँ पर इशू करा सकते हैं जो कि 100% फ्री है। अगर आप यहाँ पर 25 पेज से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चार्ज देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही कम। इसके बाद यहाँ पर हिडन चार्ज की बात करें यानी कि जो चार्ज है जो कि हमको बैंक नहीं बताता। जब भी आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले आपको बताते हैं एजेंट वगैरह कि आपको यहाँ पर फ्री है, वो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं, पैसा वहाँ पर कुछ रख लेते हैं तो चार्जेस के नाम पर वो काटते रहते हैं, उससे बोलते हैं हम हिडन चार्ज, जो कि आपको बैंक वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि वो बैंक का बेनिफिट है। तो हिडन चार्ज के मामले में यहाँ पर HDFC की BSBD अकाउंट में कोई भी हिडन चार्ज देखने को नहीं मिलता। एक हिडन चार्ज है जो कि हिडन चार्ज तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, अगर आप BSBD अकाउंट HDFC का आज ही ओपन करते हैं और 14 डेज यानी कि 14 दिन के अंदर ही अकाउंट को क्लोज करते हैं तब तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन 14 दिन से पार, 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तब तो वहाँ पर आपको 500 रुपये प्लस GST देना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपका एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 300 रुपये प्लस GST देना होगा। तो HDFC का ये BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है,
कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। मतलब कि पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में जाके ही विजिट करना होगा, तब जाके ये अकाउंट आपका बनेगा।